चलो खाने तो इसको लिट्टी यार, क्या कर सकते हैं। और इसने तो सुबह भी लपेट लिया दोस्तों। ये जो सर्कल दिख रहा है, गोल सर्कल घुमाऊंगा मैं। चलिए बाबा लोगों को गुड मॉर्निंग, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। अगर देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं देख लो दोस्तों, नए सुबह की नई शुरुआत आप लोगों के साथ। हम कैमरामैन रजत पांडे फ्रॉम यूके। तो बस शुरू हो गया नया दिन। अभी थोड़ी सी एक दो दिन नहीं, कल से थोड़ी धूप दिखनी शुरू हुई है। डेली थोड़ी धूप आ रही है, लेकिन बारिश का भी है ही सीन सान। तो बारिश तो देखो यहाँ पे डेली ही हमको एक्सपेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि डेली बारिश होती है। कल का दिन अच्छा था, लिट्टी चोखा खाया, शॉपिंग करी, कल का दिन कट गया। आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाके देखिए। अब आज देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। कुछ ना कुछ सीन तो आज बनाना पड़ेगा, कुछ तो सीन बनाना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, सुबह सुबह मतलब कुछ खाने को नहीं मिला तो इसने लिट्टी पकड़ ली बिना चोखे के। ऐसी लिट्टी बाज हो रखी है। सुबह सुबह तो सुबह सुबह लिट्टी खाते हैं योगी में बिना चोखे के। चोखा भी तो था थोड़ा सा, बताओ दोस्तों कोई बात है। सुबह सुबह कौन लिट्टी खाता है? देखो लपेट गई है दो लिट्टी, लिट्टी बाजी है कसम से। तो फाइनली यारो, कल हमने यूपी का लिट्टी चोखा खाने के बाद आज बनाया हमारी पहाड़ी दाल। आज हम खाएंगे भटके डुबके और चावल। और कल तो आप लोगों ने देख लिया था लिट्टी चोखे का मजा था। कल लिट्टी चोखा खाएंगे। और इसने तो सुबह भी लपेट लिया दोस्तों। तो चलो कोई नहीं, चलिए दोस्तों खाना वाना खा लेते हैं। दोस्तों हम हो गए रेडी घूमने फिरने जाने के लिए। आसमान बिल्कुल आज साफ है, देखिए बादल का दूर दूर तक निशान नहीं है। मस्त मौसम हो रखा है, सामने चांद दिख रहा हो बढ़िया सफ़ेद चांद। बस निकल रहे हैं घूमने के लिए, घूम के आते हैं। आज हम जा रहे हैं कैम्बल पार्क। तो कैम्बल पार्क है, मस्त जगह है। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया जगह। अब आपको आने जब आगे व्लॉग में आएंगे, आगे आगे आप जब व्लॉग बढ़ाएंगे, जब देखते जाएंगे, बढ़ाइएगा मत। वो डबल क्लिक करके 10 सेकंड आगे वाला हिसाब मत करिएगा। देखिए शांति से देखिए या देख लिया करो, 10 मिनट मांगते हैं ज़िंदगी का, देख लिया करो। तो वहीं जा रहे कैम्बल पार्क, आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी थोड़ी अच्छी जगह है वो। तो दिखाते हैं आपको कैम्बल पार्क यहाँ का। तो निकल तो गए हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, चीज़ जगह बहुत दूर दूर है। तो मतलब इतना पैदल कॉलेज के बाद मैं आप चलाऊँ, कहीं मौका ही नहीं मिला इतना पैदल चलने का। गर्मियाँ आ गई है यहाँ पे, अब जो है आपका उजाला भी देर तक रह रहा है। 7:30 बजने को आया है और अभी तक उजाला है, देखिए पूरा रोशनी चमकदार। वेट ए मौज कर दी। हाँ धूप होगी तभी तो उजाला होगा, बिना धूप के कैसे उजाला होगा? चाँद के साथ उजाला होगा? कुछ भी बोलती है, मतलब उजाले की वजह से जो है हम घूम पा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में देर तक उजाला रहता है तो इस वजह से हम लोग घूम पाते हैं। अभी मूड हो रहा है आज पेस्ट्री खाने का थोड़ा सा, देखेंगे अगर रास्ते में पेस्ट्री की दुकान खुली होगी तो पेस्ट्री उठाते हुए लेके आएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा मूड पेस्ट्री खाने का हो रहा है बहुत टाइम बाद। वैसे मैं हालांकि केक पेस्ट्री मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं आज मन कर रहा है। अब मन कर रहा है तो मन को मार तो सकते हैं नहीं, क्योंकि मन को मार के क्या होगा, अपना ही नुकसान है, पेट का भी नुकसान है, तो इसलिए पेस्ट्री खा लेंगे। चलते हैं कैम्बल पार्क, दूर है अभी, लगेगा यहाँ से। सॉरी वी आर नॉट हैविंग एनी कैश, सॉरी। तो भाई बंदा जो है हमसे पैसे कुछ हैं, कैश वैस तो मांग रहा था,
कैश हमारे पास था नहीं। उसके बाद उसने पूछा कि सिगरेट है तो सिगरेट दे दो भाई, हमारे पास सिगरेट भी नहीं है, तो नहीं दे पाए हम उसको। अब यहाँ पे पैसे खाने वही है कि आप पैसे दे दो फिर भी आप सिगरेट मांग रहे हैं, यार बताओ यहाँ पे ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या है, कई जगह पे अगर आप स्टोर वगैरह के बाहर पे जाएंगे तो कुछ मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं, यहाँ पे बाहर से जो मांगते हैं खाना वाना तो लोग खाने दे देते हैं, और कुछ यहाँ पे ऐसे होते हैं जो सिगरेट मांगने के लिए ही खड़े रहते हैं और मांगते हैं वो सिगरेट कि एक सिगरेट दे दो, सिगरेट सिगरेट बहुत है यहाँ पे लोगों के मांगने का हिसाब किताब। और जो लोगों को नहीं मिल पाती है वो करते हैं, वो उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सिगरेट्स हैं और मतलब सिगरेट के बड्स हैं जहाँ पे काफ़ी, तो वहाँ से वो बड उठा उठा के जो है लेते हैं। फिर ये भी है भाई साहब, मतलब खाना मांग ले इंसान, पैसे मांग ले वो भी ठीक है, सिगरेट मांग लो, अगर अभी उसको कहीं से सिगरेट मिल जाए तो उसका वही हिसाब होगा, बेटे मौज कर दी। दोस्तों मंडे को जब हम यहाँ आते हैं ये पूरा भरा रहता है, सॉरी वीकेंड में जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग और भीड़ भाड़ ऐसी रहती है, और मंडे को आप देखिए अगर यहाँ पे तो सांप सूंघ गया जैसे, लोगों को कोई दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि ऐसी सन्नाहट लगती है कि जैसे होली में मतलब वो सुबह होली वोली मनाते हैं ना लोग, उसके बाद फिर अपना दिन में एक डेढ़ बजे लोग घर को जाते हैं, उसके बाद शाम के 5-6 बजे तक सन्नाटा रहता है, जो मंडे से लेके थर्सडे तक ऐसे ही रहता है यहाँ पे, फिर फ्राइडे से जो शुरू होता है यहाँ पे, फिर ये संडे के शाम तक रुकते नहीं है। इंडिया में तो अपना डेली ऑफिस के बाद, वरना दिन में कभी भी इंसान जो है मज़े ले लेता है, अपने बाहर चले गए दोस्तों के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं है हिसाब, यहाँ पे मंडे से लेके थर्सडे तक लोगों को घर में आराम चाहिए, शाम को 7 बजे खाना, 7-8 बजे तक खाना खा लेते हैं या तो अपने आसपास घूम लेते हैं और सो जाते हैं टनने से, फिर सुबह उठ के काम, देर रात तक जगने की पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आग सेफ वाली बिल्डिंग है, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, इसका डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त लगता है, ऐसे पीछे को जा रहा है आगे से आग सेप में और पीछे को पतला होता जा रहा है, बहुत ऐसा लगता है किसी डायनासोर वायनासोर की पूंछ है, इसको देख के ऐसा लगता है जब हम बिल्कुल इसके पैलर में पहुंच जाते हैं ना वहाँ पे, और वहाँ से जब देखते हैं इसको तो पूरा ऐसे सीधा दिखता है, ऐसा लगता है पूंछ है किसी डायनासोर की, तो मस्त लगता है। लेकिन अभी तो ये बहुत ज़्यादा ही मस्त लग रहा है दोस्तों, ऊपर से चाँद दिख रहा है, ठीक इसके ऊपर चाँद है बिल्कुल, और हम तो अपने रास्ते पर बस हम पहुँचने वाले हैं उसके उस साइड, सामने के उस साइड है वो पार्क, बहुत बड़ा पार्क है वो भी, हालांकि यहाँ पे ये तो है पार्क वगैरह मतलब यहाँ पे ज़बरदस्त है, खूब सारे पार्क हैं। अगर आप ये सामने देखेंगे ये है एमके बुफे विलेज, तो यहाँ पे क्या है अपना बुफे लग मिलता है और इंडियन बुफे है ये इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऊपर की साइड भी है नीचे की साइड भी है, पूरा इंडियन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे बुफे वगैरह मिलता है। तो देखते हैं अगर इस 2-3 दिन के अंदर में या फ्राइडे को अपना होता है बुफे वुफे का तो खिलाते हैं, मस्त बुफे खाने के लिए आते हैं यहाँ पे अगर हो पाता है तो। चलिए हम पहुँच गए हैं पार्क में और यहाँ से एंट्री है पार्क के सामने, तो सबसे पहले जैसे ही पार्क की एंट्री होगी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको मैं भी दिखाता हूँ। पार्क हालांकि बहुत बड़ा है, तो एंट्री होते ही यहाँ पे पिलर्स हैं, तो पिलर्स क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर चल के। तो ये हो गई एंट्री और सामने अगर देखें आप, सामने एक शाफ्ट है वो, तो ये दोस्तों यहाँ पे पिलर बने हुए हैं और ये पिलर हर एक डे को डेडिकेटेड हैं, तो अलग अलग डे है, जैसे कोई भी डे आप उठा लीजिए जैसे आपका मदर्स डे फलाना ढिमकाना, हर एक डे को ये डेडिकेटेड है। तो ये देखिए जैसे 7 मार्च है तो वर्ल्ड मैथ्स डे, फिर ये हो गया 27 अप्रैल मेडिटेशन डे, तो अलग अलग डेज पे है ये। यहाँ पे आपका 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, फिर 14 जुलाई डिसेबिलिटी अवेयरनेस डे, सारे डेज हैं यहाँ पे, सारे डेज इसमें, बल्कि इंडिया के भी एक दो हैं इसमें, दिवाली वगैरह भी है, मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे है, लेकिन वो भी कहीं पे है यहाँ पे दिवाली वगैरह का।
तो यहाँ पे अगर आप देखें 15 कटी का दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट, यहाँ पे दिवाली का भी है, और ये सारे प्यार करने वालों के लिए है। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। दोस्तों इसका क्या सीन है, यहाँ पे जितने भी आपको पिलर दिख रहे हैं ये पिलर बनते जाते हैं जैसे जैसे डेज, मतलब एक रिमार्केबल डेज फाइनलाइज होते जाते हैं। अभी यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ खाली हैं, अगर आप देखें यहाँ पे ये कुछ खाली हैं, तो आपको अंदर भी मिलेंगे कुछ खाली। ये देखिए ये सब खाली है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, बहुत सारे हैं जो खाली हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके यहाँ पे टोटल 38 खाली हैं, और ये 38 फ्यूचर पर्पस के लिए रखे गए हैं कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा आता है तो उसके लिए यहाँ पे जो है एक पिलर लगाया जाएगा। तो अभी जैसे कोरोना आया था तो यहाँ पे कोरोना का भी है, एक मैं आपको कोरोना का दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है कोविड का, यहाँ पे 23 मार्च COVID-19, जो कोविड यहाँ पे मतलब मिल्टन कीन्स में सबसे पहले अफेक्ट हुआ था, तो ये कोविड के लिए है। तो ऐसे करके यहाँ पे हर किसी के बने हुए हैं। फिर वर्ल्ड एड्स डे, तो ऐसे करके हैं यहाँ पे सारे जो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। फिर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, फिर इंटरनेशनल वुमेंस डे है ये, तो ऐसे करके सारे पिलर्स हैं। तो लोग आते हैं यहाँ पे अपनी फोटो वोटो खिंचाते हैं बढ़िया। तो दोस्तों जो भी आपने देखा ना ये गोल घुमाऊं मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ चक्कर आ रहा है, चक्कर ऐसे करके ये जो सर्कल दिख रहा है गोल सर्कल घुमाऊं मैं। चलिए अब आगे को चलते हैं, आपको पार्क दिखाते हैं। तो ये है पूरा पार्क, सामने एक साफ टाइप का बना हुआ है, वो मेरे को आज तक हालांकि कुछ समझ में नहीं आया, वो कुछ एक्चुअली पानी के लिए है, वो कुछ पानी के फुवारा टाइप का है, उस टाइप का है। तो अभी ठंडा हो रहा है शायद इसकी वजह से चालू नहीं है, लेकिन जो है ये अभी तो मैंने इसको हालांकि फंक्शनल देखा नहीं है, ये हमेशा बंद ही रहा है। अब तो अंधेरा सा भी होने लग गया है। वैसे पार्क में आपको एक बार ऐसे राउंड में दिखा देता हूँ, एक सिनेमैटिक में, काफी बढ़िया लगता है। तब जैकेट वैकेट पहन लिया कर, सही से चेन वेन लगा लिया कर, पता है फिर मेरा मूड कैसा हो जाता झन्ना हाट में, झन्न हो जाऊंगा मैं झन्न। ये देखो दोस्तों, ये दोस्तों हो गया एक कांड। आज पेस्ट्री खाने का बहुत मन था, लेकिन वो जो दुकान है वो हो गई है बंद, केक इन करके यहाँ पे मतलब केक का वो है और वो बंद है, तो कुछ नहीं कर सकते अब हम। और ये है हमारे सिटी का थिएटर, मिल्टन कीन्स का थिएटर है, थिएटर मतलब जहाँ पे प्ले वगैरह होते हैं वाला थिएटर, काफ़ी बड़ा थिएटर है। मैं तो आया नहीं हूँ, बाहर से देखने में बड़ा लग रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को थिएटर वेटर का शौक है नहीं, लेकिन है बड़ा तगड़ा थिएटर है। देखिए मिल्टन कीन्स थिएटर, सारे अंग्रेजी आजकल यहाँ पे ये लगे हुए हैं, जो शोज लगे हुए हैं डिज्नी का, विनी द पू, द बॉडीगार्ड लगा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों अपने को मिल गया है पेस्ट्री शोरूम, मतलब पेस्ट्री स्टोर अगर यहाँ पे मिल जाता है हमें कुछ तो देखते हैं, सोचा तो लेके चले जाएंगे आराम से, डिनर विनर करने के बाद खाएंगे, लेकिन अब सीन ऐसा हो गया कि बैठ कर ही खा लेते हैं यहाँ पे, फ्रेश फ्रेश वो लेके आएंगे, क्योंकि फिर घर जाके डिनर करेंगे, अभी यहाँ से घर जाना है तो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो खाते हैं रेड वेलवेट केक, नहीं किनॉट केक, पेस्ट्री दोस्तों। ये अपनी पेस्ट्री, एक ये खाएगी जानवर, कैसे जानवर है, कितना खाती है, कितना खाती है, और एक ये हमारा है, खाते हैं बढ़िया, खावा के देखते हैं फिर कैसा है। तो दोस्तों इसी को खा के ऐसा हो गया है कि पेट हो गया दम, अब पैदल चलेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद लपेटेंगे फिर हम रोटी और सब्जी, लेकिन मीठा थोड़ा सा ज़्यादा था। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सब लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो आगे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए।
जय हिंद।